मार्च से पहले बॉर्डर सील किए गए 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन किसान आंदोलन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। गाजीपुर सहित दिल्ली की सारी सीमाएं सील कर दी गई। कंक्रीट और बैरिकेड्स के अलावा कटीले तार भी लगाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। तो 13 फरवरी को किसानों की तरफ से दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर। गाजीपुर सिंधु बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है और गाजीपुर सहित दिल्ली की सारी सीमाएं सील कर दी गई। कंक्रीट के बैरिकेड्स और कटीले तार भी लगाए गए हैं। 4 साल पुराने किसान आंदोलन की याद फिर से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ताजा होने लगी है। यहाँ पे देखिए कि इस वक्त हम दिल्ली की दहलीज में मौजूद हैं और बहुत से बैरिकेड रात में ही दिल्ली पुलिस लेकर आ गई है। अगर चंडीगढ़ में तीनों मंत्रियों के साथ बैठक विफल रहती है तो ये तमाम वो बैरिकेड्स हैं जिन्हें इन रोड पे लगा दिया जाएगा और जिनके जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्तर पर किसानों की मूवमेंट दिल्ली के अंदर ना हो पाए। और जैसे ही ट्रैक्टरों का ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला अगर रवाना होगा चंडीगढ़ की तरफ से तो उसके बाद सिंधु बॉर्डर पर तैयारी देखिए कि यहाँ पर जेसीबी के जरिए जो बोल्डर्स हैं बड़े बड़े वो दिल्ली पुलिस लेकर के आ गई है और इन बोल्डर्स के जरिए कोशिश होगी ट्रैक्टरों को रोकने की, ट्रॉलियों को रोकने की, जेसीबी को रोकने की, क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि इस तरीके से जेसीबी के साथ ट्रैक्टर्स के साथ किसानों का काफिला पंजाब और हरियाणा के विभिन्न गांवों से रवाना हुआ था। और देखिए सामने आपको हरियाणा नजर आएगा, लगभग यहाँ से 50 से लेकर 100 मीटर की दूरी हरियाणा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बॉर्डर पे मौजूद हैं। हालांकि जब 2020-21 में किसानों का आंदोलन हुआ था उस वक्त ये फ्लाईओवर नहीं बना था, उस वक्त यहाँ पर एक प्रॉपर बॉर्डर था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। इसलिए जो किसानों को रोकने की तैयारी है वो दिल्ली पुलिस ने फ्लाईओवर के ऊपर की है, हालांकि इससे कहीं ज्यादा तैयारी फ्लाईओवर के नीचे भी है। किसान आंदोलन को थामने की तैयारी दिल्ली पुलिस ने पुख्ता तौर पर कर ली है। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, सिंघु बॉर्डर। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से किसानों की तरफ से पिछली दफा प्रदर्शन किया गया था और इस बार माना जा रहा है कि किसानों की तरफ से और ज्यादा प्लानिंग के तहत दिल्ली में घुसने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसे में जो बॉर्डर्स हैं उन पर किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं किसानों को रोकने को लेकर? बिल्कुल, देखिए किसानों के ऐलान के बाद पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर अलर्ट पर है और तमाम बॉर्डर्स जो भी यूपी से या हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होते हैं उन तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस को मुस्तैद कर दिया गया है। रात और दिन पुलिस की तैनाती रहती है। मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं, यहां पर मैं मुस्तैदी पुलिस की दिखाऊं अभी। हालांकि 13 तारीख को किसानों को पहुंचना है लेकिन पुलिस को पहले ही तैनात कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे तमाम जो पुलिसकर्मी है इनको तैनात किया गया है और यहां पर शिफ्ट वाइज तमाम पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जो आला अधिकारी है वो तमाम ऐसे बॉर्डर जो नोएडा और दिल्ली को कनेक्ट करते हैं उन तमाम बॉर्डर्स पर गश्त कर रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। साफ तौर पर तमाम पुलिसकर्मियों को इस बात की हिदायत दी गई है कि कोई भी किसान दिल्ली में दाखिल ना हो पाए। दिल्ली पुलिस की भी बात करें तो इसके आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर तमाम जो दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। जो बैरिकेटिंग ये लगाए गए हैं इन बैरिकेटिंग की संख्या लगातार यहां पर बढ़ाई जा रही है। दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग लगाए गए हैं और यहां पर हेलमेट सहित तमाम वो उपकरण जो अगर किसान यहां पर पहुंचते हैं तो उनको रोकने के लिए जिनकी यूज की जरूरत पड़ेगी उन तमाम चीजों को यहां पर लगाया गया है। सीमेंट के कट्टे आप देखिए लगाए गए हैं, उसके ऊपर हेलमेट और बुलेट प्रूफ जो जैकेट है वो भी रखी गई है। बाई चांस ऐसी स्थिति बनती है कि किसानों के साथ टकराव हो तो उससे निपटने के लिए तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। नोएडा की बात की जाए तो पिछले दिनों नोएडा एक्सप्रेसवे को तकरीबन 6 घंटे तक किसानों ने जाम किया था और नोएडा में भी 3 अलग अलग जगहों पर धरना चल रहा है। ये किसान भी दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। हालांकि 11 तारीख तक कमेटी बनाने का आश्वासन नोएडा के तमाम किसान संगठनों को दिया था और उच्च अधिकारियों के साथ उनकी मांगे पूरी कराने की बात कही गई थी। आज 12 तारीख है, आज अहम दिन माना जा रहा है नोएडा के तमाम किसानों को लेकर भी। हो सकता है ये भी इस बड़े प्रदर्शन में जो दिल्ली कूच करने का है उसमें शामिल हों, उस तरीके की रणनीति को लेकर भी किसान के तमाम संगठन आपस में बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस कोई ऐसी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती जिसमें किसान दिल्ली में दाखिल हों और तमाम चीजों को लैस होकर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। डीएनडी बॉर्डर की बात करें
या कालंदी कुंज की बात कर लें, उसके अलावा अशोक नगर, झुंडपुरा बॉर्डर या चिल्ला बॉर्डर, जितने भी ऐसे बॉर्डर हैं जहां से किसान दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, वहां पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। जिस तरीके की तस्वीर अभी दिन में हमने आपको दिखाई, 13 फरवरी को किसानों की तरफ से आंदोलन होना है, किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे, पीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऐसे में जो लोग रोजाना दिल्ली से नोएडा या फिर नोएडा से दिल्ली आते हैं अपनी जॉब के सिलसिले में, उनके लिए कोई अलग से रास्ता प्रशासन की तरफ से क्या तैयार किया गया है, या फिर उनके भी आने जाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी? देखिए, आज तो किसी तरीके का रूट डायवर्जन नहीं है, लेकिन क्योंकि 13 तारीख का ये पूरा किसानों का ऐलान है, तो 13 तारीख को लेकर पुलिस ने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं। 13 तारीख को इस सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा और एक एक गाड़ी को चेक करके दिल्ली में दाखिल करने दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस को इस बात की भी जानकारी मिली है कि किसान अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर भी दिल्ली के अंदर पहुंच सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रोली लेकर भी दिल्ली के अंदर पहुंच सकते हैं। लिहाजा तमाम ऐसी गाड़ियां जो संदिग्ध पुलिस को लगती हैं उनको चेक करके वापस भेजा जाएगा। आज के ट्रैफिक की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आज पूरी तरीके से, अभी सुबह का वक्त है और ट्रैफिक पूरी तरीके से स्मूथ चल रहा है, ज्यादा बैरिकेटिंग बॉर्डर पर नहीं लगाए गए हैं, लेकिन 12 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस की भी एक बटालियन यहां पर पहुंचेगी और नोएडा पुलिस की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। 12 बजे के बाद से सुरक्षा और जो है वो टाइट कर दी जाएगी और तमाम गाड़ियों को रात भर भी चेक किया जाएगा और ऐसे बॉर्डर जिन बॉर्डर्स पर तमाम किसान पहुंच सकते हैं, भारी संख्या में पहुंच सकते हैं, उन बॉर्डर्स को लेकर पुलिस के अधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और नोएडा और दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो तमाम सीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के साथ मीटिंग करके इस बात को तय कर लिया गया है कि दिल्ली पुलिस किस तरीके से बॉर्डर पर मुस्तैद रहेगी। ठीक है, अमित, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली की सीएम केजरीवाल का आज अयोध्या